जब भी कोई जेट साउंड बैरियर को तोड़ता है, मतलब कि आवाज की स्पीड से भी ज्यादा तेज उड़ता है, तो उसके आसपास खड़े लोगों को सोनिक बूम्स सुनाई देती है। ये साउंड किसी ब्लास्ट की तरह होते हैं, जो कि सिर्फ उस प्लेन के सुपरसोनिक होने के कारण बनती है। अक्सर फाइटर जेट्स के साथ में ऐसा होता है। इसका रीजन ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट के आवाज की स्पीड से भी ज्यादा तेज जाने की वजह से शॉकवेव क्रिएट होती है। हम लोग एक नॉर्मल कार या फिर ट्रक के हॉर्न को हमारी तरफ आते हुए अलग तरह से सुनते हैं और जाते हुए अलग तरह से सुनते हैं, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के आगे चलने वाली साउंड वेव्स थोड़ी कंप्रेस हो जाती है, जिससे कि उसकी साउंड अलग आती है। बट सुपरसोनिक फ्लाइट्स में ये वेव्स आगे ही नहीं बढ़ पाती, जिसकी वजह से वो सारी की सारी वेव्स पीछे कंबाइन होकर के शॉकवेव बना देती है, जैसे कि सोनिक बूम कहा जाता है।